हेलो गाइज, हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुके हुए हैं। अभी हमने सोचा कि बाबा के दर्शन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है वो हनुमान जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? घाटी वाला, घाटों वाला नहीं, भरते जी मंदिर ना? घाटी पुराना घाटी, पुराना घाटी मंदिर, पुराना घाटी मंदिर। तो फिर आगे मिलते हैं आप लोगों को। गाइस हम बांसुर में रुके हुए हैं, गोलगप्पे खाने। देखो तो अभी गोलगप्पे का आनंद लेते हैं हम लोग, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, खा लिया गोलगप्पा, कैसा लगा भाई का गोलगप्पा? कैसा लगा? एक नंबर। गाइस कोई बांसुर आए तो भाई के गोलगप्पे जरूर खाना, नींबू दही। आपने गोलगप्पे खाए कैसे लगे? बहुत अच्छे, बढ़िया है, स्वादिष्ट, मजा आ गया ना? हाँ। चले आगे, आओ चलो। गाइस हमने गोलगप्पे खा लिया, अब हम लोग वापस से जा रहे हैं। ज्यादा क्यों खाया था ना यार, भूख लग रही। तो अब हम लोग वापस से निकलते खाटू धाम की तरफ। सो गाइस गोलगप्पे खाने के बाद थोड़ी दूर निकले तो हमारी गाड़ी खराब हो गई, अभी हम लोग रिपेयर करवा रहे। देखो हमने मैकेनिक लगा हुआ है। ठीक है, सही करवा के फिर से निकलते हैं हम लोग।
भाई क्या हुआ, गाड़ी चला चला थक गए। हेलो दोस्तों, तो 7:10 हो चुकी है और हम लोग गाड़ी चला के थक चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं इस होटल के सामने। यार देखो यहाँ 100 से 150 है। हीरा अंकल कैसे बैठ गए, थक गया क्या अंकल? ना ना, सोना निक्कू कैसे थक गो? ये कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं, उनकी पदयात्रा है। हम लोग थके हुए बैठे हुए हैं और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है ना, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है कि हमें लगभग 80 से 90 किलोमीटर और जाना है। 80-90 किलोमीटर और दूर जाना है दोस्तों, क्या करें, थक गए बाइक चला चला के ऐसी बैठ। दोस्तों अब हम लोग चलने की तैयारी में है, हम लोग अपनी बाइक उठाएंगे और निकलते हैं वापस से खाटू धाम की तरफ। भाई ठंड बढ़ती जा रही है, जैकेट पहन ले। जैकेट यार, कोट पहन ले, फिर ले 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 मैं दे उल्ला यार ले। हमारे निक्कू ने भी पहन ली जैकेट, मैं भी पहन लेता हूँ जैकेट दोस्तों। पैसा ना तो नहीं दुआ दू भाई बाबा की कृपा से पैसा बहुत है। लगियो 500 रुपया दियो अभी ले यार, मना कर दियो बाद में ले लियो भाई गाड़ी आ चुकी है मेरी तो चूक ना जाना हाईवे किंग का खाना ठीक है गाइस, हम लोग चलते हैं, तैयार हो चुके हैं सारे के सारे, निकलते हैं वापस से दोबारा से। चलो भाई चलो, ओके गाइस मिलते हैं फिर से। दोस्तों हम कहाँ रुके हुए हैं, अजीतगढ़, क्योंकि इनको थोड़ी भूख लग रही है भाई साहब को, रोटी खाएगा रोटी कहाँ से ले आया, इसको मैं सब्जी पूरी खिलाऊंगा खाएगा ना क्या खाएंगे हीरांकल, क्या खाओगे क्या खाओगे पता ही लो भाई, हीरा अंकल को पता ही नहीं क्या खाएंगे। बहुत ज्यादा निकल लो जल्दी से यहाँ से। जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी शिविर में रुके हुए हैं, ये देखिए पीछे की तरफ, और यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए दिन रात भंडारा चलता रहता है। कुछ भी तुम लोग खाना चाहो, पीना चाहो, पानी वगैरह, चाय वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर फ्री फोकट में, दूध और मिल रहा है गरम गरम अभी दिखाता हूँ कैसा शिविर है, बना तो लेने देगा ना वगैरह। तो गाइस काफी आराम हो चुका है, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, अब हम जाके रुकेंगे रिंगस में, अब रिंगस में जाके रुकेंगे हम लोग, काफी आराम कर लिया यहाँ पे।
तो हीरा अंकल चले अब। सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हेलो गाइस, तो मौसम खराब होने की वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुक गए, चाय वाय पी रहे हैं। आगे तो बहुत चल रहा है। रिंगस कितना दूर रह गया भाई? अब यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया गाइस, तो मौसम खराब है। अब क्या करें, 11 किलोमीटर है यही है वो पागल लड़की जिसको ढूंढ के लेकर आए और वही छोड़ कर आएंगे। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो मुझको थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। तो रोड पे क्या कर रहे हैं आज? हार गया मैं इस दुनिया से, विक्टिम हो जाएगा सारा। श्री माधोपुर किसी श्याम भगत ने तो बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे तू। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम। हेलो गाइस, हम लोगों ने रूम ले लिया है। भूल गए यार की बोलना तो। हेलो गाइस, हम लोगों ने रूम ले लिया है और हम लोग यहाँ पर नाइट स्टे कर रहे हैं। सुबह वापस जाएंगे यहाँ से खाटू श्याम जी के। तो अभी देखिए कैसे पड़े हैं सारे लोग। ओके अंकल जी, देखिए वो पिक चित्त है। कितनी पूरी खाई? 13 पूरी खा के नहीं सोएगी कौन वो? हाँ 13 पूरी खाई है। नहीं, मैंने एक भी ना खाई। मैंने 2 बार सब्जी ली, 3-4 पूरी खाई। हमने 3-4 खाई बस, 3-4 पूरी ली। किसने? नहीं, 2 बार सब्जी भी ली, 2 बार किसने ली? 2 बार कल खाऊंगा। भरत कर रखा था ना भाई। चलो गाइस, तो हम फाइनल कब जा रहे हैं सोने? कल मिलते हैं। कहाँ सोने, कहाँ जा रहा है? तो मैं निक्कू के साथ सो रहा हूँ गाइस। सुबह उठ जाऊंगा ना मैं निक्कू। हीरा अंकल सो चुके हैं ना, जग रहा है अभी। तालो लगा, तालो लगा, तालो। ओए चाबी मेरे को दे दे।
नींद बहुत तेज आ रही है, वैसे आ नहीं रही, पागल बना रहा है, कम आ रही है वैसे नींद। कितना बजे निकलना है सुबह? सुबह निकलना है 3:15 बजे। 3:30 बजे पे सोऊंगा कब? हेलो गाइस, रात के 1:40 हुए पड़े हैं और हम थोड़ा सा टॉयलेट करने आए थे, नींद नहीं आ रही हमको तो। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं श्री श्याम गेस्ट हाउस। ठीक है गाइस, सो कल सुबह मिलते हैं गाइस। हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है, ले लिए हैं रस वगैरह, हमने ले लिए, दांत साफ करेंगे घर से, लाते हम लोग पैसा बहुत है हमारे पास, जहाँ जाते नहीं लेते हैं। अभी हम लोग नहा धो के खाटू जी के लिए निकलेंगे। ठीक है गाइस, नहा धो के फिर से मिलते हैं। गाइस हम लोग नहा धो लिए, रेडी हो गए, तो सामान पैक कर जल्दी। क्यों करूँ मैं, चैन में लगा इसकी यार, मत कर जा इस। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग निकलने की तैयारी में। मजा आ गया ठंडे पानी से नहा के, पैक कर रहे हैं, ठंडे पानी से नहाया करो। मेरा अंकल अभी बाल सेट कर रहे हैं अपने, निकले अंकल चले, निको चले भाई, अपन तो तैयार हैं भाई चल। तो गाइस अब हम रिंगस से निकलते हैं और आपको फिर रास्ते का नजारा दिखाते हैं बाबा का। ठीक है गाइस मिलते हैं। हाँ जी, जय श्री श्याम। जब बाबा भगत पर बहुत खुश होते हैं तो उसे खाटू बुलाते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर पे कीर्तन होता है और बाबा खुद खाटू से चलकर उसके घर पर आते हैं। ऐसे ही किसी एक भगत की नहीं, हर भगत के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने घर पर कीर्तन करवाए, और क्या क्या लाड लड़ाना चाहता है आइए जरा सुनते हैं। जय श्री श्याम। हेलो गाइस, तो हम खाटू धाम पहुंच चुके हैं और अब हमने बस थोड़ी देर में हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे, और अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर, और अभी तक लेकिन हमने कुछ खाया नहीं है, खाया नहीं है कुछ भी, दर्शन कर ले तब खाएंगे। तो गाइस धूप बहुत तेज है यहाँ पर, बहुत तेज धूप है, बहुत ज्यादा तेज धूप है। अब हम जा रहे हैं तोरण द्वार, तोरण द्वार पर जा रहे हैं हम लोग पैदल पैदल यात्रा। उसे खिलाऊंगा बाबा पे है।
फाइनली हम लोग तोरण द्वार पे पहुंच चुके हैं। तू कृपा कर बाबा, तोरण द्वार पे बहुत फोटो खींच ली दोस्तों, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग प्रसाद लेने की तैयारी में है। उसके बाद हम लगेंगे लाइन में। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, तू कृपा कर को मैं रिझाता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कृपा। गाइस हम लोग लाइन में लग चुके हैं, या लाइन में हम लग चुके हैं, बहुत बड़ी लंबी लाइन है। अब देखते हैं बाबा की कमर जो भी जो हमें अपने अंदर मंदिर के बुलाएगा। जियो 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 मन में बुलाऊंगा बाबा, सभी भजन प्रवाहकों को कीर्तन में Thank you.
स्टेशन पूरे हो चुके हैं, अभी हम लोग कड़ी कचौरी खा रहे हैं, यहाँ की फेमस कचौरी। अभी कचौरी डाल रहे हैं भाई साहब, छोटी छोटी हम महंगी दे रहे हैं, रहे बहुत स्वादिष्ट तरीका से डल रही कड़ी। एकदम गर्म है, निक्कू की कड़ी कब डलेगी? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर।